नमस्कार दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जब ये साबुन की खोज नहीं हुई थी, लोगों को साबुन बनाना नहीं आता था, तो लोग है ना ये सफ़ेद मिट्टी जिसे मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं उससे लोग नहाया करते थे, प्राचीन काल के लोग, पुराने ज़माने के लोग। तो देखिए, मैं मुल्तानी मिट्टी के द्वारा देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, वो मैं बताऊँगा आप सबको। तो दोस्तों देखिए, जिस मैं गांव में रहता हूं वहां पे गांव के बगल में यानी इसी गांव में ये मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है। तो इस मुल्तानी मिट्टी को मैं थोड़ा पानी देके गीला कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये रहा मुल्तानी मिट्टी जो मेरे गांव में ही पाया जाता है, इसे मैं पानी देकर बिल्कुल सानते हुए। तो दोस्तों, इस मिट्टी को मैं उस प्रकार सान रहा हूँ जिस प्रकार आटा को साना जाता है। दोस्तों, लगता है ये मिट्टी को मैं सान चुका हूँ। दोस्तों, ये है एक प्रकार का सांचा जो मैं बोतल को काट कर बनाया हूँ। दोस्तों, ये मुल्तानी मिट्टी को मैं सान चुका हूँ और मैं इस साने हुए लोहे से साबुन तैयार कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, आजकल महंगाई का ज़माना कितना ज़्यादा हो गया, हर चीज़ देखिए, हर चीज़ है ना महंगा हो गया है। घरेलू सामान, साग सब्जी, चावल दाल से लेकर कपड़े और मोबाइल कंप्यूटर के बारे में पूछिए मत, कितनी महंगाई आसमान छू रही है। तो इस महंगाई के ज़माने में मैं ये मुल्तानी मिट्टी के द्वारा साबुन तैयार कर रहा हूँ। और दोस्तों, जब मैं नदी जाऊंगा फिशिंग करने के लिए, तो फिशिंग करने के बाद इस साबुन का इस्तेमाल करूंगा। देखिए, ये इस मिट्टी के द्वारा बहुत सारा यहाँ पे साबुन मैं तैयार कर रहा हूँ। अभी तो 5 या 6 तैयार किया हूँ साबुन। तो दोस्तों, मैं बोलना चाह रहा हूँ ना कि इस साबुन का इस्तेमाल करके ही, या मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करके ही मेरे बाल इतने लंबे और मुलायम हैं।
दोस्तों ये मुल्तानी मिट्टी का मैं साबुन बना चुका हूँ, बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों इसे मैं अभी 4 घंटे के लिए सूखने दे दूँगा और जब सूख जाएगी तो मैं इसे घर के ले जाऊँगा। और दोस्तों जब भी मैं नदी मछलियाँ पकड़ने के लिए मारने के लिए जाऊँगा तो मछलियों को पकड़ने के बाद इसी साबुन से मैं हाथ पैर धोआऊँगा और नहाऊँगा, इससे मेरे शरीर और बाल बिल्कुल ठीक रहेंगे। दोस्तों 4 घंटा बीत चुका है और मेरा साबुन भी सूख चुका है, तो ये रहा मेरा तैयार साबुन। तो दोस्तों मैं नदी जाऊंगा तो देखिए साबुन किस तरह से बालों में लगाऊंगा, हाथ पैर में भी लगाऊंगा, फिर नदी में मैं कूद जाऊंगा। तो दोस्तों देखिए मुझे बहुत आनंद आएगा इस साबुन के द्वारा नहाते हुए, मेरे हाथ पैर बाल सब मुलायम रहेंगे, मैं थोड़ा नवयुवक और आकर्षक लगूंगा। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो कैसा रहा कृपया कमेंट करें, सपोर्ट करें और मुझे आगे बढ़ाएं। दोस्तों इसी प्रकार के रोमांचक वीडियो में फिर से मिलेंगे अनोखी वीडियो पे, तब तक के लिए अलविदा।